योजना सरकार की आई है, मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना। ये योजना को लाने का तात्पर्य ये था कि हमारे झारखंड में कई ऐसे परिवार हैं जिनका जो अफोर्ड नहीं। झरिया विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के बैनर तले टाटा ऑडिटोरियम झामाडोबा में बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत विधायक ने डिगवादी अवर प्रमंडल अंतर्गत 180 विद्युत उपभोक्ताओं को बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र वितरित किया। सर्वप्रथम विद्युत महाप्रबंधक अशोक कुमार सिन्हा ने विधायक को पुष्प गुच्छ भेंट कर कार्यक्रम में उनका स्वागत किया। इस कार्यक्रम में डिगवादी अवर प्रमंडल क्षेत्र अंतर्गत जामाडोबा, फूस बंगला, डिगवादी, पाथरडी आदि क्षेत्र के लगभग 180 विद्युत उपभोक्ताओं को प्रतिमाह 200 यूनिट और सालाना 2400 यूनिट तक बिजली की खपत करने वाले उपभोक्ताओं को मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना के तहत विधायक द्वारा बिजली बिल माफी प्रमाण पत्र वितरित किया गया। विधायक ने अपने संबोधन में कहा कि झरिया में कुल 9,841 विद्युत उपभोक्ताओं का बिजली बिल विभाग द्वारा माफ किया गया है। ये बिल माफी जरूरतमंद लोगों को किया गया है। विधायक ने बिजली के उपयोग में सावधानी बरतने की भी बात कही। कहा कि हम बिजली का इस्तेमाल जरूरत के हिसाब से करें और जब बल्ब, पंखे और कूलर आदि का इस्तेमाल न हो तो स्विच बंद कर दें। बिजली बचाने से हमारे लिए, हमारे कल के लिए सुरक्षित रहेगा, इसलिए हमें बिजली की बर्बादी से बचना होगा। बिजली फ्री होने का उपलक्ष्य में आपने सर्टिफिकेट वितरण किया, उसके बारे में आप बताना चाहेंगे तो? योजना सरकार की आई है, मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना। ये योजना को लाने का तात्पर्य ये था कि हमारे झारखंड में कई ऐसे परिवार हैं जिनका जो अफोर्ड नहीं कर सकते बिजली का बिल देना, जिनका बकाया काफ़ी हो गया है, उनको आगे का भी खर्चा देना है, तो सरकार ये योजना लेकर आई है। और बहुत सारी शिकायतें हमारे पास लगातार आती थी, ग्रामीण क्षेत्रों से भी और शहरी क्षेत्रों से भी। पहले ये प्लान किया गया कि सिर्फ ग्रामीण क्षेत्रों का जो है बिजली बिल बकाया जो है उसको जो है माफ़ किया जाएगा, लेकिन उसके बाद हम क्योंकि शहरी क्षेत्र से, आपको पता है कि ये कहीं ना कहीं हमारा दुर्भाग्य रहा झरिया का कि झरिया पूरा का पूरा नगर निगम में चला गया है। तो हमने कहा कि इसमें हमारी कहाँ गलती हो गई कि आप हमारा बिजली बिल जो है माफ़ नहीं करेंगे, अगर आप ग्रामीण क्षेत्रों का कर रहे हैं तो। रहने वाले सारे ग्रामीण ही हैं, आपने एक लकीर खींच दी, बोल दिया नगर निगम हो गया। तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए जो है कैबिनेट में इस प्रस्ताव को पारित किया गया कि जो बकाया बिजली का बिल है जो 2400 यूनिट से कम चलाते हैं, विगत एक वर्ष में जो भी इनका बिजली का बिल होगा और पिछला जो भी, उसको जो है माफ कर दिया जाएगा। उसके साथ ही अगर आगे में आप 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं तो आपका बिजली का जो बिल है वो शून्य हो जाएगा। आपने देखा होगा कई सारे उपभोक्ता हैं जो घर में एक लाइट है, एक पंखा है, दो लाइट है, दो पंखे हैं, इससे ज़्यादा नहीं करते हैं, एसी, टीवी, फ्रिज, इतनी सारी चीज़ें नहीं, और ये अतिरिक्त बोझ उनको उठाना पड़ता था। तो उनकी भावनाओं को देखते हुए, उनका जो समस्या थी उसको देखते हुए, जो लगातार उनके ऊपर एक बोझ था उसको देखते हुए सरकार ये योजना लाई और इसका लाभ झरिया में 9,841 परिवारों को मिला है। आप खुशी देख सकते हैं सबके चेहरे पर कि किस तरीके से जो है आज एक बिजली बिल माफी, और जितने लोग हैं आपने देखा होगा कि वो सारे उतने ही जरूरतमंद परिवार हैं जिनके लिए